जनरेटर जनरेटर चलाना चाहिए था थोड़ी देर और वेक्टर फॉर्म भी लिख लीजिए, स्केलर फॉर्म भी, वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म दोनों लिख लीजिए। हाँ सर बेटा, ये दो चार्जेस हैं, टू चार्जेस, क्यू वन क्यू टू, डिस्टेंस आर बिटवीन देम, आर बिटवीन देम, वो इनके बीच की फोर्स फाइंड आउट करनी है, फोर्स के बारे में लिखना है सारा कुछ। इट इज स्टेट्स दैट, it states that force of attraction or repulsion, इसको interaction भी बोलते हैं, attraction or repulsion, or repulsion, it means two point charges at rest, rest में होना चाहिए, rest is directly proportional to, product of magnitude of charges and inversely proportional to inversely proportional to square of distance between them directly proportional to product of the magnitude of charges, inversely proportional to square of distance between them. Let ये आपकी statement है, let charges are q1 and q2 and force between them is F, distance between them are F proportional to q1 q2 number 1, F proportional to r1 over r square number 2. The two equations are there, F proportional to q1 q2 multiply F proportional to 1 over R square. From 1 and 2, F proportional to Q1, Q2 upon R square. Or F is equal to 1 over 4 pi epsilon naught Q1, Q2 upon R square. So 1 over 4 pi epsilon naught ki value fix hoti hai. 9 into 10 power 9. न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ये वैल्यू इसकी होती है। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, खाली जगह, इट्स वैल्यू इसकी जो वैल्यू है एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.854 इंटू 10 पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उल्टे यूनिट ऑफ मास। इन वेक्टर फॉर्म अगर इसको वेक्टर में लिखना है, एफ वेक्टर लगाना है 1/4πε0 q1 q2 अपॉन r स्क्वायर, और r कैप लगाना है वेक्टर में, यूनिट वेक्टर लगाना होता है r कैप अलोंग दिस डायरेक्शन, यूनिट वेक्टर r कैप लगाना है
आर कैप को कैसे खोलते हैं? आर कैप होता है आर वेक्टर अपॉन आर मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर अपॉन आर लिख लो या फिर आर मैग्नीट्यूड लिख लो, एक ही बात होती है। आर वेक्टर अपॉन आर वेक्टर मैग्नीट्यूड एक ही बात होती है। सो एफ इज इक्वल टू वेक्टर फॉर्म में 1/4πε0 q1 q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर अपॉन आर। तो आर वेक्टर अपॉन आर क्या बन गया? आर क्यूब बन गया, आर क्यूब आर वेक्टर आर इंटू आर स्क्वायर बन गया आर क्यूब। तो फोर्स कितनी निकली लास्ट में? एफ वेक्टर इज इक्वल टू 1/4πε0 q1 अपॉन आर क्यूब इंटू आर वेक्टर। वेक्टर फॉर्म में इस तरह से लिखना, नीचे क्यूब आएगा, क्यूब लिखना नीचे वेक्टर फॉर्म में, यहाँ क्यूब नीचे लिखना क्यूब। ये बेटा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। फिर सेकंड क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये इसके वीडियो नहीं आपको भेजे होंगे तो वीडियो बना के भी भेज दें। तो सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? QUANTI ZATION क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। गिव फार्मूला फॉर दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। व्हाट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज? आंसर अकॉर्डिंग टू दिस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज मींस इसका क्या मीनिंग है? मींस चार्ज इन ए बॉडी इज ऑलवेज एन इंटीजर मल्टीपल ऑफ ए फंडामेंटल चार्ज दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ ए फंडामेंटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन q = ±mE टोटल चार्ज है, कितना चार्ज है बॉडी में टोटल चार्ज, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने उसमें, ई चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन कितना होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलम। ये बेटा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो ये आपने दो क्वेश्चन करने, तो बाकी के फिर कल करो।